नमस्कार दोस्तों, निर्मला की रसोई में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके साथ दलिया की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही हेल्दी होता है और बहुत ही कम मेहनत में, कम चीजों से बहुत ही आसानी से बन करके तैयार हो जाता है। इसे आप सुबह के नाश्ते या जब भी थोड़ी बहुत भूख लगे तो आप इसे बना सकती हैं। इसके लिए हमने एक कटोरी दलिया ली है, ड्राई फ्रूट्स ली है और चीनी लिया है टेस्ट के अकॉर्डिंग, दो इलायची ली है, आधा किलो पैकेट वाला फुल क्रीम दूध लिया है। और अब मैं दलिया को एक छन्नी में डाल करके नल में डायरेक्ट बहते हुए पानी में अच्छे से धो करके साफ कर ली हूँ और इसे हम इसका पानी निथरने के लिए रख देते हैं। दूध को उबलने के लिए रख दिया है और अब मैं इसे कुकर में ही बनाऊंगी। तो कुकर में हमने एक चम्मच देसी घी डाल लिया है और धुले हुए दलिया को हमने कुकर में डाल लिया है और लो फ्लेम पे ही हम इसे अच्छे से के भूनेंगे। शुरू में हमें गैस फ्लेम धीमा ही रखना है, क्योंकि दलिया भींगा होता है तो वह कुकर में चिपकेगा। आप चाहे तो कढ़ाई में भी दलिया को भून सकते हैं। यहाँ पे मुझे थोड़ी सी ही दलिया भूननी थी तो मैंने कुकर में ही भून लिया है, लेकिन अगर ज़्यादा मात्रा में आपको दलिया भूनना हो तो आप कढ़ाई में ही भुने तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए, 4-5 मिनट भुनने के बाद हमारा दलिया अच्छे से भुन चुका है और दलिया के एक एक दाने अच्छे से खिल गए हैं। और अब हम यहाँ पे एक कटोरी दलिया थी उसी कटोरी से हमने 2 कटोरी नाप करके पानी ले लिया है और अब इसे हम ढक्कन लगा करके 2 सीटी आने तक पका लेंगे। और इसमें हमने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी डाल ली है। यहाँ पे हमने 1/2 कटोरी चीनी यूज़ की है और 2 सीटी आने के बाद हमने कुकर को अपने से ठंडा होने दिया और इसके बाद कुकर का ढक्कन खोल लिया है। तो अब मैं दूध को कुकर में डाल लूँगी। लो फ्लेम पे ही मैं इसे धीमे धीमे मिक्स करते हुए चलाऊंगी, जब तक कि दलिया और दूध एक सार ना हो जाए। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले सभी न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। 2-3 मिनट में ही हमारा दलिया और दूध बिल्कुल एक सार हो गया है और अब हम गैस फ्लेम बंद कर देते हैं और इसमें हमने 1/2 छोटा चम्मच इलायची पाउडर को मिक्स कर दिया है और यहाँ पे हमने ड्राई फ्रूट्स डाल लिए हैं और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स गार्निशिंग के लिए बचा लिए हैं। दलिया हमारा बन करके तैयार है और अब इसे हम एक सर्विंग बाउल में सर्व कर लेते हैं। हमारा बहुत ही हेल्दी डिलीशियस दलिया बन करके तैयार है। सुबह नाश्ते में या जब भी आपको भूख लगे तो आप ये दलिया फटाफट से बनाएं और खाएं। आप इस दलिया की रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और आपको यह रेसिपी कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नई रेसिपी।